वेलकम फ्रेंड्स इन माई चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैसिफिक ओशन के बारे में, यानी कि प्रशांत महासागर। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रशांत महासागर का एरिया 161.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुद्र भी है। अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव ज्योग्राफिक स्टडीज़, यानी कि तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से यह पता चलता है कि इस महासागर में हमारी पृथ्वी का भाग कम और पानी का क्षेत्र ज़्यादा है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा 9455 मील चौड़ा और दक्षिण अंटार्कटिका तक 10492 मील तक लंबा है। प्रशांत महासागर की गहराई लगभग 35400 फुट या फिर उससे भी ज़्यादा है। प्रशांत महासागर में अब तक देखे गए सबसे खतरनाक तूफान, जिनका नाम सुपर टाइफून मंगफुट था और यह तूफान 2018 में आया था। देखिए, तूफान, टाइफून और चक्रवात असल में एक ही मौसम के लिए अलग अलग नाम हैं। पूर्वी प्रशांत में तूफान, उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में टाइफून या फिर आंधी भी कह सकते हैं और दक्षिण पश्चिम प्रशांत में चक्रवात नाम का प्रयोग किया जाता है। प्रशांत महासागर बेसिन को इसके किनारों के आसपास भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्रों के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। मरियाना ट्रेंच एक ऐसी गहरी खाई है जो फिलीपींस के पूर्व में मरियाना द्वीप समूह में रिंग ऑफ फायर के पास में ही है। वैज्ञानिक अभी भी महासागरों के सबसे गहरे हिस्सों में जीवन के बारे में जानने में लगे हुए हैं। गहरे समुद्र में जीव जीरो लाइट एंड क्रशिंग प्रेशर, यानी कि शून्य प्रकाश और कुचल दबाव में कभी भी जीवित न रहने वाली स्थितियों में भी पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी गहरे समुद्र में रहस्यमय जीवन के साथ समुद्री जीवों का एक बहुत बड़ा समूह है जो चमकती आँखों से लेकर विशाल आँखों तक है। वैज्ञानिकों को भी इनमें से कई जीवों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। प्रशांत महासागर का कचरा पैच हवाई से कैलिफोर्निया के बीच टेक्सास राज्य से सबसे बड़ा एक क्षेत्र है, जिसे कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच कहा गया है। यह नाम समुद्र से बाहर आने वाले प्लास्टिक के एक विशाल द्वीप को आकर्षित कर सकता है, लेकिन पैच में पाए गए 94% प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े गेहूं के दाने से भी छोटे और अक्सर हमारी आंखों को न दिखने वाले होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पैच को पूरी तरह से साफ करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ लोग कम से कम समस्या को और कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओशन क्लीनअप नाम की एक डच कंपनी ने पैसिफिक गार्बेज पैच की सफाई में 2019 की शुरुआत में $32 मिलियन का निवेश किया था, जिससे कि समुद्र को धीरे धीरे करके साफ किया जा सके। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।